बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आज हम डी काम पार्ट वन की जो मेथ स्टेट की बुक है उसका जो नाइन्थ चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 304 पे आइए, पेज नंबर 304 में कहता है फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, बुक आप लोग अपने पास रखिए और पेज नंबर 304 पे आइए, क्योंकि जब आपके पास बुक होगी तो आपको आसानी से समझ आएगी। तो यहां पर भी आपको ग्रुप डेटा गिवन है एक्सरसाइज नंबर 4 में। तो सबसे पहले साइज ऑफ आइटम, तो आप इसको ना कंसिडर करें, एक्स कंसिडर करें। तो पहले कॉलम में आपने एक्स लिखना है, तो साइज ऑफ आइटम यानी एक्स की जो वैल्यू है 2, 3, 4, 5 यहां पर लिखें 2, 3, 4, 5 7, 9, 10 और यहां पे लिखेंगे 11। उसके बाद F की जो वैल्यू है 5, 8, 12 यहां पे लिखें 5, 8, 12 13, 17, 20, 25 और 28 ये हमें x और f की वैल्यू गिवन है। तो हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है समेशन f ओवर समेशन f बाय x। तो यहां पर देखिए जो f है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है f कॉलम में, सेकंड कॉलम में, और f by x अब हमने फाइंड करना है। तो आपने तीसरे कॉलम में f by x लिखें, तो देखें ऊपर f है तो ये f पहले आ जाएगा, ओवर x है तो x की वैल्यू 2। इसी तरह फिर 8/3 12/4 13/5 17/7 20/9 25/10 28/11 अब हमने 5 को 2 पे डिवाइड करना है, तो कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेटर निकालिए। 2/5 2.5 आ जाएगा, यहां पे लिखें 2.5। इसी तरह 8/3 तो इससे आ जाएगा 2.667 2.4 × 6 = 7। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3.00 13 को 5 पे डिवाइड करें 2.6 इसी तरह 17 को 7 पे डिवाइड करें 2.4285 7। इसी तरह 20 को 9 पे डिवाइड करें 2.22 उसके बाद 25 को 10 पे डिवाइड करें 2.5 आएगा इससे 28 को 11 पे डिवाइड करें 2.45 45 2.45 और 45। ये हमने कैलकुलेशंस कर ली, डिवीजन कर ली। अब दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन f, तो जो ये f है इसकी वैल्यू को हमने ऐड करना है 5, 8, 12, 5 + 8 + 12 + 13 + 17 + 20 + 25 + 28 ये 1 to 8 आ गया। टोटल करें 1 to 8
समीशन एफ हमारे पास आया 128 एफ बाई एक्स को अब प्लस करना है, तो एफ बाई एक्स की ये जो इक्वल के बाद जितने भी वैल्यूज हैं इनको आपने ऐड करना है। बहुत ही ध्यान से ऐड करें, 2.5 प्लस 2.4 टाइम्स 67 3.0 2.6 2.42857 2.4 टाइम 2 2.5 20.37 20.37 201 इसको हमने प्लस किया तो इससे ये अमाउंट आ गई। यही अमाउंट अब उठा के आपने समेशन एफ बाई एक्स की जगह लिखनी है 20.37201। तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू 128 को 20.37201 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं 128.20.37201 तो इससे आ जाएगा 6.28 6.28313 ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया। जी बच्चों अगर कहीं पे आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आइंदा आने वाले जो मजीद क्वेश्चन हैं जो मजीद एक्सरसाइजेज हैं और जो मजीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।